मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी, प्रधानाध्यापक के विरुद्ध निलंबन की अनुशंसा। मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता के मामले में रंगरा चौक प्रखंड के मध्य विद्यालय मुरली के प्रधानाध्यापक अखिलेश कुमार यादवेंदु के निलंबन की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने किया है। विजय कुमार झा ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के मध्याह्न भोजन योजना के चावल के वितरण की कोई संचिका उपलब्ध नहीं मिली, तो दूसरी तरफ विद्यालय में रख रखाव हेतु 75,000 रुपये का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया। विद्यालय में कैश बुक और बैंक पासबुक वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि उनकी अनुशंसा पर वरीय पदाधिकारियों की स्वीकृति के बाद प्रधानाध्यापक को पद से हटा दिया जाएगा। रंगरा थाने में लगा जनता दरबार, 8 लोगों ने दिया आवेदन, 2 मामले का ऑन स्पॉट हुआ निष्पादन। भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए रंगरा थाना परिसर में सीओ आशीष कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में कुल 8 लोगों ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों में आवेदन दिया। मौके पर ही अंचलाधिकारी ने 2 मामले का ऑन स्पॉट निष्पादन किया। अंचलाधिकारी ने कहा कि बाकी बचे मामलों का भी जल्द निष्पादन कर दिया जाएगा। इस अवसर पर रंगरा थाने के अवर निरीक्षक चंद्रवीर कुमार यादव समेत अंचल कर्मियों की मौजूदगी देखी गई। मास्क चेकिंग अभियान में रंगरा पुलिस ने 6 लोगों से वसूला 300 रुपये जुर्माना। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष महताब खां के नेतृत्व में चलाए गए मास्क चेकिंग अभियान में कुल 6 लोगों से 300 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की गई है। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए प्रत्येक लोगों को मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। भटक कर रंगरा पहुंचा अज्ञात वृद्ध, ग्रामीणों ने दिया सहारा। रंगरा के ग्रामीणों ने कड़ाके की ठंड में एक बुजुर्ग को सहारा देकर मानवता का एहसास कराया है। ग्रामीण मनीष कुमार ठाकुर ने बताया कि अज्ञात बुजुर्ग देर रात शिव मंदिर के पास बेहोशी की अवस्था में पड़ा था। ग्रामीण रणवीर कुमार ठाकुर उर्फ रमन ठाकुर, अनीश ठाकुर, संजय ठाकुर ने बुजुर्ग को पहले शिव मंदिर लाया और अलाव की व्यवस्था कर बिछावन और कंबल दिया। कुछ देर बाद बुजुर्ग होश में आ गए, लेकिन ग्रामीणों द्वारा बार बार पूछे जाने के बाद भी वे अपना नाम और पता नहीं बता पाए। बार बार बुजुर्ग पूर्णिया जिले का नाम ले रहे थे। ग्रामीण मनीष कुमार ठाकुर ने बताया कि बुजुर्ग के खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया गया है और पुलिस को मामले की सूचना भी दी गई है। बुजुर्ग को घर या वृद्धाश्रम भेजने के लिए वे लोग पहल कर रहे हैं।